Hi guys, good morning to everybody. Today I shall teach you use of amid and amidst. Next video में आपको बताते हैं use of among and amongst and उसके पहले आपको बताते हैं use of between. आज हम आपको बताएंगे use of amid and amidst. Amid और amidst का यूज कैसे करते हैं. तो सबसे पहले आपको बता दें amid और amidst एक प्रीपोजिशन है. क्या है? एक प्रीपोजिशन है. जैसे कि आपको बताते हैं among and among और amongst क्या जी प्रीपोजिशन है. वैसे ही amid और amidst एक प्रीपोजिशन है. अब देखिए amid और amidst का हिंदी क्या होता है. आपको बताते हैं among और amongst का हिंदी होता है के बीच में. सिमिलरली amid और amidst का भी हिंदी होता है के बीच में. अब देखिए amid और amidst का हिंदी होता है के बीच में, among और amongst का हिंदी होता है के बीच में. इस चारों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन among एंड amongst एंड एज वेल एज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन amid एंड amidst. बस कुछ खास अंतर है नहीं. जहां आप among का प्रयोग करते थे वहां amid का प्रयोग करेंगे और जहां amongst का प्रयोग करते थे वहां amidst का प्रयोग करेंगे. जहां among का प्रयोग किया जाता था वहां amid का प्रयोग करेंगे और जहां amongst का प्रयोग किया जाता था वहां amidst का प्रयोग करेंगे. अर्थात among हो या फिर amongst हो, amid हो या फिर amidst हो, इस दोनों का प्रयोग के बीच में के अर्थ में दो से अधिक लेके आता है. इस दोनों का प्रयोग के बीच में के अर्थ में दो से अधिक लेके आता है. जैसे हम एग्जाम्पल बोले ही वॉज स्टैंडिंग डैश अस. ही वॉज स्टैंडिंग डैश अस. वह हम लोगों के बीच में खड़ा था. वह हम लोगों के बीच में खड़ा था. हम लोग क्या है? एक से ज्यादा अथवा दो से ज्यादा. अब देखिए यहाँ पर अस क्या है? अस एक आपका प्रोनाउन है. यहाँ पर आप amid, amidst, among और amongst इस चारों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप among का प्रयोग करेंगे तो भी सही होगा, amongst का प्रयोग करेंगे तो भी सही होगा, amid का प्रयोग करेंगे तो भी सही होगा और amidst का प्रयोग करेंगे तो भी सही होगा. फिलहाल एक बात आपको बता दें among का प्रयोग हम करते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट. among का प्रयोग वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों लेटर के पहले कर सकते हैं, जबकि amongst का प्रयोग केवल वोवेल लेटर के पहले कर सकते हैं. अब देखिए us क्या है, यू क्या है, आपका वोवेल है तो आप among का प्रयोग कर सकते हैं, amongst का प्रयोग कर सकते हैं, amid का प्रयोग कर सकते हैं और amidst का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप यहाँ पर among लिखते हैं तो भी सही होगा, यदि आप amid लिखते हैं तो भी सही होगा, यदि आप amongst लिखते हैं तो भी सही होगा और यदि amidst लिखते हैं तो भी सही होगा. अब देखिए एक बात और बता दें आपको, amid और among इस दोनों का हिंदी के बीच में होता है और दोनों का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए. बट इसका प्रयोग जनरली ऑन काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है और इसका प्रयोग जनरली हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं. amid और amongst इस दोनों का हिंदी के बीच में होता है और इसका प्रयोग दो से अधिक लेके आता है. बट amid का प्रयोग करते हैं ऑन काउंटेबल नाउन के पहले और amongst का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले. जैसे एग्जांपल देखिए आई वॉज स्टैंडिंग डैश वाटर. आई वॉज स्टैंडिंग डैश वाटर. मैं पानी के बीच में खड़ा था. अब देखिए यहां पर वाटर क्या थी? अनकाउंटेबल नाउन है. अब के बीच में के अर्थ में आप amid, among, amidst और amongst इस चारों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे. बताते हैं अनकाउंटेबल के पहले क्या करेंगे? amid का प्रयोग करेंगे. क्या करेंगे? amid का प्रयोग.
आई वॉज स्टैंडिंग एमिड वाटर, मैं पानी के बीच में खड़ा था। अनकाउंटेबल वाटर अनकाउंटेबल, इसमें हम क्या किए एमिड का प्रयोग करें। यदि यहाँ पर काउंटेबल आ जाता तो हम अमाउंट का प्रयोग कर देते हैं, या फिर अमाउंट का प्रयोग करते हैं, या फिर एमिड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे there was a bee dash all, तेल के बीच में एक मक्खी है, तेल के बीच में एक मक्खी थी। अब यहाँ पर के बीच में अर्थ में है, यहाँ पर क्या करेंगे एमिड का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे एमिड, क्योंकि तेल क्या थी ऑल एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले के बीच में के अर्थ में आप एमिड का प्रयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।